आज एक शॉकिंग फैक्ट के साथ मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल 5% फैमिलीज अपने पिछले 10 साल की सेविंग्स को खो देते हैं मेडिकल इमरजेंसीज के दौरान। ओवरऑल अगर इंडिया में हम देखें तो करीब 30 करोड़ फैमिलीज हैं, और उसका 5% मतलब इट्स अ बिग नंबर, जो अपने पूरे 10-15 साल की सेविंग्स को लुटाना पड़ता है उनको अगर फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो। और आखिर ऐसा क्यों करना पड़ता है? नेचुरल है कि उनके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ये हेल्थ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट इतना डिबेटिंग सब्जेक्ट है कि कई लोग मानते हैं कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। संभव है आज शायद वो बहुत हेल्दी है, उन्हें लगता है, और उनकी लाइफस्टाइल भी काफी हेल्दी होगी, उन्हें लगता है कि हमें कोई बीमारियां होनी नहीं है, तो अननेसेसरी ये पैसा क्यों दें, क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न्स नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको कुछ कैलकुलेशंस बताना चाहता हूँ। ऑन एन एवरेज अगर हम एक नॉर्मल फैमिली साइज को देखते हैं, 2+2, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे मान लेते हैं, अगर यू नो पेरेंट्स आर इन द रेंज 30s में है, तो 10 लाख का पॉलिसी कवर उन्हें करीब 20 हजार रुपये में मिलता है। करोड़ रुपए का भी पॉलिसी कवर करीब 25 से 27 हजार या 28 हजार रुपए में मिल जाता है साल में। मान लेते हैं कि चारों मेंबर्स जो है वो काफी हेल्दी है, और लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अगले 10 साल या अगले 20 साल में उन चार मेंबर्स में कोई ना कोई तो बीमार पड़ेगा, कोई ना कोई तो हॉस्पिटलाइज होगा, बीमार नहीं तो एक्सीडेंट, कोई यू नो छोटी मोटी सर्जरी, कुछ ना कुछ कारण से ये जो फैमिली है चार लोगों की अगले 20 साल का, मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार तो वो हॉस्पिटलाइज होंगे, कोई ना कोई होगा। नेचुरल है, आप भी अपने परिवार में देख लीजिए पिछले 20 साल में कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है या नहीं। एंड आज के एंगल से अगर हम देखें तो जो एवरेज बिलिंग है, मैं अगर अगले 20 साल का कैलकुलेशन करूँ तो मैं एवरेज बिलिंग लूँ अगले 20 साल में, तो दैट विल बी अराउंड 5 से 6 लाख रुपए होगा। अब आप हिसाब कीजिए, 20-25 हजार रुपये आप प्रीमियम भर रहे हो साल का, अगले 20 साल में आप भर कितना रहे, 4-5 लाख या 6 लाख रुपये प्रीमियम भरोगे, उतना तो आपको वैसे भी वर्कआउट हो जाता है। टैक्स बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो अलग है, फ्री हेल्थ चेकअप्स है वो अलग है, वो सब अगर आप हिसाब करोगे तो यू आर ऑलवेज इन द प्रॉफिट साइड। लेकिन फिर भी ये जो इग्नोरेंस का जो एलिमेंट है, दिस हैज टू बी एड्रेस्ड विद अ वेरी अग्रेशन बेसिकली। और ये कैलकुलेशन भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाइए एक दिन, और वहां पे रिसेप्शन में एक 10 मिनट बैठिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो अकाउंट सेक्शन में मतलब वहां पे जितने भी हॉस्पिटल में जो एडमिट है उनके जो परिजन लोग सराउंडिंग रहते हैं, आपको एक चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी 10-15 मिनट की ऑब्जर्वेशन में, कि उस बड़े हॉस्पिटल में आप देख के बता सकते हो कि किस फैमिली के पास इंश्योरेंस है और किस फैमिली के पास इंश्योरेंस नहीं है। बहुत सिंपल है। जब अकाउंट सेक्शन के पास में मतलब जो बिलिंग सेक्शन है उस बड़े हॉस्पिटल का, वहां पे अगर कोई आदमी परेशान दिख रहा है तो समझ लो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और जो बेफिक्र होकर आता है, अपने जो भी साइन वाइन करना होता है करता है, चले जाता है, समझ लीजिए कि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इतना सब जानते हैं हम लोग। हम खुद जब अपने परिजन में, अपने परिवार में या दोस्तों में कोई अगर बीमार होता है, कोई बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होता है कोई मेजर सर्जरी के लिए, तो पहला प्रश्न हम यही पूछते हैं उनसे, हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा ना। जब हम ये सब समझते हैं और जब अपनी बारी आती है तो हमें लगता है कि हमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसा इग्नोरेंस मत रखिए। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि 10-20 लाख रुपए इमरजेंसी फंड, मेडिकल इमरजेंसी फंड बोल के आपके पास है तो शायद आपको जरूरत ना हो, लेकिन अगर नहीं है तो आज ही आप इस पे गौर कीजिए और हेल्थ इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए लीजिए। देना कितना है, बहुत कैलकुलेशंस है। आपके एनुअल फैमिली का जो एनुअल इनकम है उसका एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए। अगर आपकी फैमिली मान लीजिए 10 लाख कमाती है साल की, तो 20 लाख का तो मिनिमम होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, एंड आई नो बहुतों के पास, आपके पास भी शायद होगा हेल्थ इंश्योरेंस,
बट परेशानी वो नहीं है, परेशानी इस बात की है कि जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया वो कई साल पहले लिया हुआ है, आपने कभी रिव्यू भी नहीं किया होगा। हर साल कुछ ना कुछ नया आता है, आप एक बार इस बार जब रिन्यू कर रहे हो तो एक बार रिव्यू कर लीजिए, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आप ही की कंपनी जहां पे आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस है, हो सकता है कि कुछ राइडर डालने से बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, या कोई ऐसा उनका प्रोडक्ट होगा जिसमें माइग्रेट करने से आपको ज्यादा फायदा होगा एट द सिमिलर कॉस्ट, या फिर कोई और कंपनी में देख लीजिए, सिमिलर कॉस्ट में आपको आज की तारीख में बहुत ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं और इंश्योरेंस का कवर कम से कम 50 लाख लीजिए। मैं कारण बताता हूँ, क्योंकि एक तो प्रीमियम कॉस्ट कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप भले 10 लाख लीजिए या 20 लाख लीजिए, 25 लाख, 50 लाख, प्रीमियम लगभग सिमिलर है, आप देखोगे तो आपको सरप्राइज होगा। लेकिन लेना क्यों है 50 लाख या 1 करोड़, उसका कारण बता रहा हूँ। 5-10 लाख के इंश्योरेंस की आज जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस ही नहीं है, ओके, तो 5-10 लाख का अगर बिल हुआ ना, तो 5-6 रिलेटिव्स या फ्रेंड्स मिलकर भी आपको उतना सपोर्ट कर देंगे। बात आती है अगर बिल बहुत बड़ा हो, तब चाह के भी कोई आपको हेल्प नहीं कर पाए, तब सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, वो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो अच्छा कवरेज के साथ है। मैं बोल रहा हूँ 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लाइक दैट, ओके। और अगर आपको इस पर भी भरोसा नहीं है, इस आज अपने बड़े नियरेस्ट, अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई जो नियरेस्ट सिटी है, आप वहां के कोई भी 4-5 बड़े हॉस्पिटल में फोन करके देखिए, उनको पूछिए कि आज का सबसे बड़ा बिल कितना है, आपको शॉक लगेगा, एवरेज बिलिंग इज अराउंड 25 लाख रुपीज। मैं बड़ा बिल बोल रहा हूँ, हो सकता है हमारे साथ ही हो ऐसा बड़ा बिल आने गुंजाइश हो, तो क्यों ना कोशिश करें, क्यों ना प्लान कर ले, जब कमर्शियली भी ये वायबल आइडिया है और लॉजिकली भी इट मेक सेंस टू हैव अ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस, सो व्हाई नॉट हैव अ प्रॉपर वन। आज ही अपने एडवाइजर से बात कर लीजिए, वरना मैं तो अवेलेबल हूँ, आप मुझसे चर्चा कर सकते हो। एक बार समझ लीजिए कि कितनी रिक्वायरमेंट है, फीचर्स क्या है, उसके बाद आप अपना कॉल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। DITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।